Bye.
कुटुंब परिवार करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। स्वामी महाराज की जय। आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। तेरी कृपा से टले ओ, तेरी कृपा
से टले, जन्मों की कसर हमारी आधार है जीवन का, मूर्ति तुम्हारी हो। नगड़ के जोगी के श्री जी जो जमानती हैं, आपके लिए वैसे ही आज भी काका खड़े हैं। वाणी और वर्तन तेरा काका जी को प्रगटा दे, संकल्प आपका तो जी को जगदीश बना दे। हर एक पल जीवन की हो, हर एक धड़कन दिल की तेरे लिए हो हमारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी हो। संबंध जो काका जी ने दिया है, मोती के मेहवर से ऐसा मौका बख्शा है। मोती का चारा अब तो राजहंस बनकर चुगले, तेरे मुक्तों में अब तो स्व का विसर्जन कर दे। पराभक्ति के लिए राजी करने, हर क्रियाएं हो हमारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी हो। हम ना देखें भगवती तनु बना दो, अंतर के संग्रामों का हे प्रभु अंत ला दो। रख दिया दिव्य समाज में दिव्यता में खो जाएं, जहां हो तेरा संबंधी वहां हम झुक ही जाएं। मन से लड़ने के लिए हो, मर के जीने के लिए रहे हर पल तैयारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। तेरी कृपा से टले ओ, तेरी कृपा से टले जन्मों की कसर हमारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। सजानंद स्वामी महाराज की जय। काका रे आज आवे उठाणू, नजराणू तमने देवानू, ओ नजराणू तमने देवानू। काका रे आज आवे उठाणू, नजराणू तमने देवानू, ओ नजराणू तमने देवानू। તમે મળ્યા બક્ષિસ મામને અહી, તેથી મહાત્મ્ય મે સમજ્યા નહી। તમે મળ્યા બક્ષિસ મામ
जावजे स्वरूप ओळखावजे हवे समजावजे स्वरूप ओळखावजे एने तू भेट माही लेजे रे का करे आज आव्यो टाणू नजराणू तमने देवानू ओ नजराणू तमने देवानू अल्प संबंधी जे तारा होए एनी संगे साची मैत्री थाए अल्प संबंधी जे तारा होए एनी संगे साची मैत्री थाए रस बस थावाए प्रार्थना कराए रस बस थावाए प्रार्थना कराए एने तू भेट मानी लेजे रे का करे आज आव्यो टाणू नजराणू तमने देवानू ओ नजराणू तमने देवानू व्यापक मा एक अमे तने जोई लावे नहीं मूर्ति माथी बारे कोई व्यापक मा एक अमे तने जोई लावे नहीं मूर्ति माथी बारे कोई बधु संभाल शू अमने संभाल तू बधु संभाल शू अमने संभाल तू एने तू भेट मानी लेजे रे का करे आज आव्यो टाणू नजराणू तमने देवानू ओ नजराणू तमने देवानू सजानन स्वामी महाराज की जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी ने वातु सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामी निवातु प्रकरण 11 पाद 256 में स्वामीनारायण हरे स्वामी ये बात करी जे वैराग्य थाय ने माँ बाप ने मुक्ति ने त्यागी थाय तेमा माँ बाप कोचवाय तो पण इने इन नड़े नहीं संतना वचन अने तेने माथे कोई ऋण रहतु नथी अने होय ने मातृ ऋण पितृ ऋण ए बधु पछी माथे पड़से के नहीं संतना वचने कोई अगर संसार छोड़ के साधु हुआ हो तो मातृ ऋण पितृ ऋण पुत्र ऋण मत पत्नी ऋण कोई ऋण उसके सर पे रहता नहीं। अपने आप में संत के वचन से और वो भी भगवान बजने के लिए एक ही उद्देश्य भगवान की मूर्ति सिद्ध करनी है भगवान को प्रकटाना है और उसी लगन से संत के साथ जुड़े और संत की आज्ञा में रत रहे तो ऐसे कोई ऋण उसके ऊपर हावी होता नहीं। बात 278 स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करी जी ब्रह्मांड छे तेमा विभूतियों छे त्यारे काम चाले छे विभूति के सिवा विभूति माने ऐसे करने वाला इसी तरह कोई भी संस्था भी हो तो ऐसे कोई संत हो
ऐसी कोई विभूति हो तो ये संस्था जीवंत रहती है, संस्था चलती रहती है। काका जी पप्पा जी ऐसी विभूति बोली है जिन्होंने एक गुणातीत समाज चलाया। इसमें लिखा होगा काका जी पप्पा जी, लिखा है? विभूति होय त्यारे चाले छे ने विभूति विना तो वढ़ी ने आवे। विभूति न हो और कोई ऐसा चल तो वड़ी ने, वड़ी ने, वड़ी ने तो क्लेश करे। विभूति हो माया शांत हो जाए। एक कहे कि गोपालानंद स्वामी मोटा ने एक कहे मुक्तानंद स्वामी मोटा। ये सद्गुरुओं के बारे खींचाता नहीं, जो हमारे गुरु बड़े, हमारे गुरु बड़े। अभी लेकिन ऐसा ज्ञान उदय हो गया कि कोई ऐसी खींचाता नहीं, करता नहीं। हर एक और सेवक लोग भी एक दूसरों के गुरु की महिमा गा के उसकी बड़प्पन समझते हैं। ते बे ने ते बे मोटा साधु ने दिश नहीं। अगर वो कोई करता है तो समझना कि इसे वो दोनों गुरुओं की कुछ समझ ही नहीं है, अपने जैसे ही माने हैं। मानते हैं कि आप हैं, आप थोड़े बड़े बोले जाते हैं, जैसे मैं बड़ा हूँ ये हमारा गुरु बड़ा है। ऐसा एक अहम रहता है। तेमज एके नो समागम नहीं, तेमज एके नो समागम नहीं। अगर अपने गुरु का सही तरह से समागम भी किया हो तो ये मानसिक भूमिका भौतिक मूल्यांकनों से वो परे उठ ही गया होता। गुरु का सेवन ही सही से नहीं करा है इसीलिए ऐसा रहता है। ने महिमा वस्तुगते जाने नहीं, महिमा नहीं समझते। वस्तुगते मतलब मूल में, पण केवल अहम ममत्वे वड्या। जे मैंने ये बोला ना कि खुद के ढंग जैसे जाने, अहंता और ममता के कारण, मेरा और तेरा बस, वो अहंता और ममता का रूट है। विभूति बिना भार न पड़े, विभूति के बिना प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामान्य मंडल चलता रहे, जैसे नहीं भजन मंडल कीर्तन मंडल अलग अलग जगह पे भजन गाते हैं करते हैं, वैसे चलता रहे। लेकिन कोई एक विभूति हुए तो वो मंडल का प्रभाव रहता है, वरना क्लेश होगा। वहाँ गाने के लिए भी मैं गाऊंगा, वो गाएगा, उसका चलता रहेगा। बात 285 स्वामीनारायण हरे स्वामी ये बात करी जी, समाधि करता पण आज्ञान अधिक छे। समाधि कैसे ज्ञान याने आज्ञान स्वरूप ज्ञान। समाधि में जो मूर्ति देखी वो चित्त की मूर्ति है। स्वरूप ज्ञान भीतर में दृढ़ है, चैतन्य का ज्ञान, चैतन्य ज्ञान। काका जी का स्वरूप ज्ञान चैतन्य का ज्ञान था। वो काका जी की साक्षात्कार की समाधि ये समाधि जैसी नहीं थी, वो ज्ञान समाधि थी।
जो अखंड रही, आजीवन रही, साथ में रही। बात 286वीं। स्वामीनारायण हरे, स्वामी बात करीजिए। मरने अखंड समाधि थाती होए। हमेशा समाधि में रहता हूँ। समाधि में रहता हूँ मतलब समाधि करता रहता हूँ। लेकिन समाधि में से बाहर आवे फिर वही अपना व्यवहार, वही अपने बीबी, वही अपना परिवार, उसकी झंझट में ही ओत प्रोत रहे। वो समाधि का कोई अर्थ नहीं। काका जी को देखो, ज्ञान समाधि हुई उसके बाद ना कोई अपना कारोबार इन्हें लिपट सका, न परिवार लिपट सका। भगवान और संत के होके जो जो उसके परिवार में भी हैं उनके साथ उनका संबंध रहा। मरने अखंड समाधि थाती हो। मरने यानी भले, मरने के मरने की बात नहीं है, भले समाधि थाती हो। पढ़े ने हमें वधता न थी, उसको हमें नमन नहीं करते। हाँ। केम जे सर्वे करता ज्ञान ज अधिक छे। ज्ञान समाधि सबसे अधिक है। प्रकरण 12 सर्वदेशी समझण। बात बीजी। स्वामीनारायण हरे, स्वामी बात करीजे। देशवासना ऊपर बात करी जे भैंस 4 वर्ष से पाछी आई। भैंस 4 देशवासना, भैंस जंगल में घूम हो गई थी, चार चराने गए होंगे गिर के जंगल में, मिली नहीं। आखिर चल वहाँ छोड़ के आ गया कि भाई अभी वो सोचा कि अब जंगल में जाए तो भैंस शेर वगैरह खा भी गए हो। पर 4 साल के बाद अपना घर ढूंढता ढूंढती वो वापस अपनी खूंट पे आ गए, खड़ी रह गई। इस क्या धरती का छेड़ा, धरती का अंत घर, ऐसा कोई कहीं भी चला जाएगा, लंदन अमेरिका हो, लेकिन उसको रहेगा कि मेरा गांव, मेरा देश, मेरा देश, मेरा गांव। बात 8वीं। स्वामीनारायण हरे, स्वामी ये बात करीजिए। एकांत में बैसी ने रहते होए ने महात्यागी होए। एकांत में रहता हूँ, मुझे समूह में जमता नहीं, अकेला बैठा हूँ। बड़ा त्यागी हो गई, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ लंगोटी पहन के बैठे। कोई खाने पीने की ऐसी कोई परवाह नहीं। पर जो बीजा ऊपर कटाक्ष रखते हो। ऐसा सब हो, एकांत में रहता हो, कोई चीज की परवाह नहीं हो, कोई चीज की इसको जरूरत भी ना हो बस। लेकिन ये देखा ऐसा करते हैं, ऐसा कटाक्ष करता हूँ, मन में रखता हूँ, गांठ रखता हूँ। तो ते महाराज ने न गम, वो महाराज को पसंद नहीं। इसका मतलब क्या कि दूसरों का गुण लेवे, महिमा गाए, खुद कितना ही बड़ा हो तब भी समझना वो सबसे बड़ा साधु है। दूसरों का और अपने बराबर जो हुए, अपने से छोटा भी हुए, उसकी महिमा गाए दिल से, वो समझना कि वो सबसे बड़ा है। आप देखना स्वामी जी हैं, साहेब हैं, भरत भाई वगैरह हैं, सब संतों की खूब दिल से महिमा गाया। इनको तनिक भी ये कॉन्शियसनेस नहीं होगी मैं बड़ा हूँ, महिमा दूसरों की समझे।
भगवान ना भक्त नी मन कर्म वचने सेवा को राजी करने के लिए इनके संबंध वाले भक्तों की महिमा गानी और सुनी सुनी मतलब जब उसी में इसको आनंद हो गए, मन खुश हो गए। कितना ही मन इधर उधर व्यस्त हुआ हुआ हो, उलझा हुआ हो, या हम डूबे हुए भी मन से हो, भगवान के भगत की महिमा की कई बातें सुनने को मिल जाए और प्रफुल्लित हो जाए, समझना हम भगत है। ये बैरव ही तेरे खुद का बीपी ना पकने का। ते ऊपर महाराज ने राजी पूछे, उसके ऊपर महाराज प्रसन्न है, महिमा ने वातो केवी अने सांभळवी। भगवान ने राजी करने का सबसे बढ़िया उपाय, पहला प्रकरण की पहली बात है। बात बारहवीं, स्वामी नारायण हरे स्वामी ये बात करी जे राते वाळू करवानो चाल थतो जाय छे, मनो रात को खाने का रिवाज बनता जाता है। संत लोग एक बार खाना पत्थर, एक बार पल रहे जिसको पहले बोलते थे, धोना पड़े, रात को भी खाना है। स्वामी कहते हैं मुझे पसंद नहीं है, एक्चुअली कहते हैं मेडिकली भी हाइजीनिकली भी रात को खाओ, गैस बैस हो जाएगा, खाओ तब भी हल्का सा खाओ, बहुत कीजिए नहीं, गैस्ट्रिक नहीं। अच्छा रात को टिक्की खा ले, रात को तू टिक्की खाने वाला है ना, तो पाँव वड़ा खाने वाला है, वड़ा नहीं इसको क्या क्या पाँव वड़ा 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 बॉम्बे का वड़ा, बॉम्बे का वहाँ ये बॉम्बे वाले आए हैं ना, इसलिए वड़ा पाँव बनाए हैं। बात बारहवीं, स्वामीनारायण हरे स्वामी ये बात करीजिए राते वाड़ू करवानो चाल थतो जाए छे, रात को खाना खाने का रिवाज बनता जाता है, ने थई गयो छे ते पण ठीक नथी, ठीक स्वामी के मुझे पसंद नहीं है। वळी आनंद को क्या हो गया दूसरा और आगे, वळी दिवसे ऊंघवा मांड्यू छे, दिन में भी सो जाते हैं, ते बे वचनामृत वाची तरत पथारी केटले ठिकाणे थाय छे, ए हरिजन ने कहे छे के तमे पण सुई जाओ, इसीलिए अब आप थके होंगे सो जाओ, क्योंकि खुद को सोना है, बहाने बाजी है, चला किए एवा स्वभाव नु कोई कैसे त्यारे तेने बे हाऊ कहे, ऊपर से अगर कहेंगे ये तुम गलत कह रहे हो तो उसको खड़काएंगे, मुझे कल नहीं कह रहे कि आप सारे दिन के थके हो अभी आप सो जाओ, कौन कह रहा था? मैं कह, तू तो कह रहा था, मैंने कह रही थी, कितना डरता है चुपके से मैंने बेहने कह रही थी। વાત એકવીસ, સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી એ વાત કરી છે જીવ માત્ર પોતાના ડાપણમાં ઘૂંચાઈ ગયા છે, હરે એક જીવ ડાપણિયાને ચોદરાહટ મેં ઉલઝે હુએ હૈ, હરેક કો સલાહ દેને કા મન હો જાયેગા, ये ठीक नहीं कर रहे, तू इसके बदले ऐसा कर। ने भीत सोसरु तो सुझतु नथी ने जाने जे हूं जे वो कोई नथी, भीत सोसरु भीत भीत सोसरु हां दीवाल के पार तो दिखता नहीं है, और
मन में माने कि मैं कितना श्याना हूँ, मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, और जिसे भींत पार भी नजर आता है, मैंने जो आर्ष दृष्टा है, ऐसे संत इनकी शरण में अपनी मन और बुद्धि रख नहीं देता। अनंत, हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड ने जो आया ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड को हस्तामलकवत, हाथ के ऊपर अमला पड़ा हुआ, वो जितना क्लियर देखे वैसे सारी संसार को जो देखता है। करतलवत देखे छे, ते तो कहते मुझे कुछ पता ही नहीं है। ते तो पूछे छे ए सु करसो, आ काम अपने केम करसो, दूसरों की सलाह लेते हैं, और जिसको नहीं दिखता है, जिसको समझ नहीं है, वो सलाह देने बैठ जाता है। ने जीव ने अहंकार जे हूं जे वो कोई नहीं, जीव को ये माया अहंकार के रूप चिपकी हुई है, मेरे जैसा कोई नहीं। माटे निर्माणी थई ने केवल प्रभु ने भजो, जो निर्माणी होगा वो दूसरों को सलाह नहीं देगा, दूसरों की सलाह मानता रहेगा, भगवान वो भगवान भजने के लिए भगवान भजते। वात 24, स्वामीनारायण हरे, स्वामी वात करी जे विचारी ने जोयू जे मोक्ष ने मार्गे चाले तेने बहु विघ्न छे, लोक का विघ्न, घर का विघ्न, मन का, वृत्तियों का, भगवान में जुड़ने न दे। ते माइक जीव क्या है ना क्या है बंधाई जाए छे, भटकाई जाए, ते जारे बहु अहम ममत्व आवे त्यारे शास्त्र पण काम नथी आवतो। देखो लख्यू है, नहीं मैं नहीं मानता, ये निक्षेपक श्लोक है, ऐसा कह देंगे, ये लिखा हुआ है लेकिन बाद में डाला है, मैं ये बात नहीं मानता। ने कोई नो मनातु पण नथी, कोई उपदेश करे उसकी बात भी ना मान पाए, अहंकार आ गया। अगर हम अड़ियल बन जावे समझना भीतर में अहंकार है। वाच 27, स्वामीनारायण हरे, स्वामी ये बात करी जे आ मंदिर ने पदार्थ छे ते तत्व जिज्ञासा ने तत्व जिज्ञासा, मंदिर और उसके अंदर रहे हुआ सरंजाम वो तत्व जिज्ञासा के लिए, मानो इधर उधर जावे उसके बजाय सही रास्ते पे आवे, क्या होगा, चलो बहुत मंदिर अच्छा बना हुआ है देखने के लिए आ रहे, लेकिन फिर मंदिर में आ करके बंद जाना है संत के अंदर। मैंने ये बात शायद इसलिए करी थी, मैंने जब ये मंदिर ऊपर बना ना, सारा लकड़ी का बनाया, वो गुणायतान स्वामी की बातों में है, हाँ कि स्वामी ने सारा लकड़ी का सभा हॉल बनाया था जूनागढ़ के अंदर, अब तो आग लगने से खाक हो गया, पर स्वामी ने बनाया था। मैं बनाया इसलिए कि इसका नक्शी काम वगैरह के देखने के बहाने भी कि चलो भाई जूनागढ़ में मंदिर का सभा हॉल बहुत लकड़ी का बहुत अच्छा है देखा वे करके आएंगे, तो एक तो संस्कार पड़ेंगे और वहाँ संत होगा उसके समागम में चला जाएंगे, तो मैंने ये कहा था ऐसे हॉल के लिए जो आएगा, मंदिर बहुत अच्छा है, हॉल बहुत अच्छा है, धीरे 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 उसको फिर काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, साहेब, ऐसे संत के साथ जुड़ता जाएगा। हाँ।
આ મંદિરને પદાર્થ છે તે તત્વ જિજ્ઞાસાને અર્થે છે પણ તે જ પ્રધાનપણે થઈ ગયા વો પ્રધાન હો ગયા મંદિર બહુ હતા અરે નહીં વો મંદિર બનાને વાલે સંત કે સાથ જોડના હૈ ત્યારે ભગવાન કેમ રાજી થશે વાત 29 વાત 29 મી સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે વાલો પટેલ ત્યાગી થયા ત્યારે મહી કાંઠો મહી કાંઠો ધમધમી ઉઠ્યો એસે ને ધમધમી ઉઠ્યો ધમધમી ઉઠ્યો કોઈ એક ભગત હતા વો સાધુ હુઆ તો પૂરા ગાંવ ઉસ કિનારે જે બસે હુએ થે વિરોધ કરને લગા કે ભાઈ એ સ્વામિનારાયણ મેં સાધુ એસે બના દેતે હૈ जैसे अपने नहीं 51 लोगों 51 जनों को साधु बनाए तो कई घरों में से ऐसे क्लेश हुआ था। मायावत से काकना जी निकले थे, ये मेरे ख्याल से अरुण भगत लिए के कोई ये अर्जुन भगत के किसी के लिए, मुझे याद है हरिभाई साहब के सर पे भी डंडा पड़ा था। काका जी तो पन काका जी की खाली गाड़ी खड़ी रखी, पूछा दादू भैया, हाँ मैं दादू भैया, बाकी अपने जैसे हुए तो कहना नहीं वो दादू भैया तो दूसरे हैं, मैं नहीं हूँ। पूरा इतिहास मुझे याद नहीं है, बाकी उस समय बहुत कठिन परिस्थिति थी। लेकिन आज दिखता है कि ये समाज गुणातीत समाज जो तैयार हुआ उसके पीछे काका जी है। एक शूरवीर योद्धा पकड़ा काका जी ने, पप्पा जी बोले काका जी एक शूरवीर, काका जी खुद भी कहते हैं मैं एक योद्धा हूँ। તેનું નામ વિરક્તાનંદ પાડ્યું હતું, વિરક્તાનંદ સ્વામી, અને ગઢડાના મહંત કર્યા, મહંત કર્યા, પણ કૃપાનંદ સ્વામીનો દ્રોહ કર્યો, તે ગાંડા થઈ ગયા। દેખો ઇસ કેમ સ્વામી સમજાવવા જાતે હૈ કે હમ કિતને હી બડપ્પન કો પાએ, લોગ હમારી કિતની વાવા કરે, લેકિન કિસી કવિ ભગત કા અવગુણ નહીં લેના, નહીં તો અપના બુરા હો। कोई हम सेवा खूब करी हो, कोई तारीफ करें, अपने को ये समझना भगवान ने मुझे ये शक्ति दी, भगवान ने मुझे ये बुद्धि योग दिया, मेरे से ये सेवा हो पाई, लेकिन वो तारीफ में हम झूलते ना रहे, झूलते रहेंगे तो फिर दूसरों भगत की परवाह नहीं रहेगी, परवाह नहीं रहेगी तो कभी ना कभी उसका अवगुण उसका द्रोह करने में भी मन चला जावे। उस रास्ते तो बापा बोलता है ये तो रास्ता बंद, स्टॉप बंद। बस चलो 9:15 मिनट चल रहे बोलो। पण कृपानंद स्वामी नो द्रोह कर्यो ते गांडा थी गया ने स्थिति बहु बगड़ी गई। એ મોટાના અપરાધનું પાપ લાગે છે। પછી મહારાજે તેમના મા બાપને તેડવા બોલાવ્યા, તેડવા બોલાવ્યા ને પાછા ઘેર મોકલ્યા, ઘેર મોકલ્યા। જય સ્વામી।